नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। यह जो परिवर्तन है, यह आपको क्या फल प्रदान करेगा, इसके साथ साथ इस समय में किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, किस प्रकार के उपाय करके आप अपने जीवन को इस समय में खुशहाल बना सकते हैं, इन सब विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके सेकेंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेवन्थ हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में अपने एनिमी की राशि में जाएंगे, जो कि शुक्र ग्रह की राशि है। शुक्र ग्रह तैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, दो विपरीत या ये कहें कि अलग अलग विचारों वाले गुरु एक ही साथ एक ही जगह बैठेंगे, क्या फल प्रदान करेंगे। दो गुरु हैं, विचारों में थोड़ा मतभेद है, परंतु फिर भी ये शुभ फल प्रदान करेंगे। क्या फल प्रदान करते हैं, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके सेवेंथ हाउस में आए हैं। सबसे पहले जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। इस समय अंतराल के अंदर, समय अंतराल मतलब ये पूरा समय, इस समय अंतराल में उन बच्चों के विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आना और वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाने के योग प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जो पहले से मैरिड हैं, उन्हें अपने स्पाउस का भरपूर सुख प्राप्त होगा और इस समय में वे अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करके लाभान्वित होंगे। अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर पार्टनर्स की आवश्यकता है, तो इस समय अवधि में पार्टनरशिप होना, नए नए पार्टनर आपके पास स्वयं आएंगे, आपसे पार्टनरशिप करने का प्रयास करेंगे और पार्टनरशिप करने के बाद आप अपने व्यापार व्यवसाय में लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार जगत में आपका नेम फेम होना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं उनके विषय में। देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वे अमृतमय दृष्टियाँ होती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, वे अगर किसी अशुभ ग्रह या अशुभ भाव पर भी पड़ती हैं, तो वहाँ के फलों को, अशुभ फलों को परिवर्तित करके शुभ फलों में परिवर्तित कर देती हैं। तो यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ हैं, उसमें पांचवी दृष्टि जो है वो आपके लाभ स्थान इलेवेंथ हाउस पर पड़ रही है। इलेवेंथ हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो ये आपके धन के अंदर वृद्धि करेगी, मित्रों के अंदर वृद्धि करेगी, मित्रों से मान सम्मान मिलना, मित्रों का भरपूर सहयोग मिलना, अपने धन को संचय कर पाना, सेविंग कर पाना, किसी प्रकार से बैंक के अंदर आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी पॉलिसी में या गोल्ड परचेज करके आप धन को संचय कर पाएंगे। धन का इस समय में आपके पास भरपूर मात्रा में आवागमन होना और धन की सेविंग आप कर पाए, ऐसा योग यहाँ मिलता दिखाई देगा। और लाभों की प्राप्तियाँ, जीवन में व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की आवश्यकता होती है, उन सुखों में धन भी एक सुख है, मान सम्मान भी एक सुख है, संतान भी एक सुख है, ये सभी सुख आपको देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। संतान का भी सुख इस समय में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि जो कि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है और अपने मित्र की राशि पर पड़ती है, ये दृष्टि आप देखेंगे आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, धन कमाने के नए नए आइडियाज इस समय पर आपके मन में आएंगे, धर्म के माध्यम से भी धन कमाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ बैंक, टीचिंग, कैश से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कार्य, धार्मिक कार्य, स्पिरिचुअल कार्यों को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इन सब कार्यों में से किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं, तो वह लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर आप व्यापार करने के विषय में सोच रहे हैं, तो इस समय में आपके पास नए नए आइडियाज़ का होना यहाँ पर दिखाई देता है। अभी जो समय रहेगा, ये समय व्यापार अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, व्यापार में कुछ नया किया जाए, जॉब करते हैं तो उसके अंदर कुछ नया किया जाए, जिससे कि आपको अधिक लाभ प्राप्त हो, धन लाभ प्राप्त हो, नेम फेम प्राप्त हो, सब चीज़ों का सुख प्राप्त हो। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके पार्टनर से भी लाभ प्रदान कराएगी।
पार्टनर के साथ कोई टूर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल का सुख भी इस समय में आपको ये प्रदान कराती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो इस समय में आप अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसियों से कुछ अच्छी एडवाइस, धन लाभ, कुछ नए आइडियाज़ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, या आपका राइटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य व्यवसाय है, आप बुक पब्लिश कराना चाहते हैं, तो उन कार्यों को समय पर किया जाए। इस समय पर उन कार्यों को करना अधिक लाभदायी रहेगा। अगर आप कोई बुक लिखने की सोच रहे हैं, आप एक राइटर हैं, तो बहुत अच्छा इस समय में लेख लिख पाएंगे। इस समय में आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएँ करना, यात्रा करते समय नए आइडियाज़ आना और आइडियाज़ के माध्यम से कोई बुक लिख देना या सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डाल देना जो वायरल हो सकता है, उसके माध्यम से बहुत लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स और आपके पड़ोसियों के यहाँ पर किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होना और वहाँ पर आपको नेम फेम की प्राप्ति होना भी दिखाता है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो पराक्रम है वो धर्म के माध्यम से बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप धर्म करेंगे, धर्म धार्मिक आप सभी होते हैं, परंतु धर्म करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को सही चीज़ों के विषय में जानकारी देना, मंदिर जाना, दान पुण्य करना इत्यादि कार्यों को करने से आपकी छवि निखरेगी और आपको धन, यश, मान सम्मान, स्पाउस का सुख, पार्टनर सुख, संतान सुख, सभी प्रकार के सुख इस समय में प्राप्त होंगे। समय काफ़ी अच्छा है, परंतु इसके लिए आपको एक ललक होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ललक आपके अंदर होगी, उतना ही ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों को आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, ललक ही नहीं है, तो ये सब चीज़ व्यर्थ है। जब तक किसी चीज़ की इच्छा नहीं होगी, तब तक वह चीज़ प्रकट नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रख के चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ थोड़ा केयरफुल समय मैं बताता हूँ, उसके लिए ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 190 डेज के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे और ये रेट्रोगेट होकर के आपके सिक्स हाउस की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इस समय अवधि में किसी प्रकार से विवाह इत्यादि करना, मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं रहता है, इसके लिए रुक जाना चाहिए। अगर आप फौरन जाना चाह रहे हैं, वीज़ा पीआर तैयार है और आप जाना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में आप ना जाएं, क्योंकि इस समय अवधि में अगर आप जाएंगे तो थोड़े समय पश्चात हो सकता है आपको वापस आना पड़े, कोई भी कारण हो सकता है, इस समय में रुक जाएं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में है, तो ये समय अवधि फिर आपके लिए सोने पर सुहागे वाला कार्य करेगी। इस समय में देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों में अधिकता होगी और आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। और अगर रेट्रोगेट नहीं है तो इस समय अवधि में अधिक प्रयास करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब उपाय की बात करते हैं। अगर आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं या उनके अंदर कमी बहुत अधिक है और आप चाहते हैं कि आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त हों, तो छोटा सा उपाय बताते हैं, इस उपाय को कर लिया जाए। और अगर आप चाहें तो अपना बर्थ चार्ट दिखा करके देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन, महादशा, नक्षत्र इत्यादि का विश्लेषण कराकर भी उपाय प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अभी के लिए आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन में जो सामग्रियाँ होती हैं, कुछ सामग्रियाँ बता देता हूँ, बाकी आप जब करें तो किसी भी योग्य ब्राह्मण से या मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं टेलीफोनिकली माध्यम से। गुरुवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है, साफ स्वच्छ जल लेना है। दूसरा, पिसी हल्दी लेनी है, कुछ हल्दी की गांठ, 5 गांठ हल्दी की लेनी है, थोड़ा सा गुड़, एक देसी घी का दीपक, एक गुड़ का पीस, जैगरी जिसे बोलते हैं, और धूप बत्ती, एक कलावा या मौली जिसे बोलते हैं, कुछ पुष्प पीले रंग के, आप इतनी सामग्री ले लीजिए। और केले के वृक्ष पर सबसे पहले आप जाकर के जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद वस्त्र पहनाइए, वो जो मौली ले गए हैं उसे आप कलावे को उसके बांध दीजिए तने में,
और फिर हल्दी से तिलक कीजिए, गुड़ चढ़ाइए, देवा धूपबत्ती दिखाइए, पुष्प अर्पण कीजिए और ओम ग्राम ग्रीम गोम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः का यथाशक्ति जाप कीजिए। आप देखेंगे आपको गुरु ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों में अधिकता होगी और आप जिन चीज़ों को अभी तक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटी आ रही है मिस हो रही थी उन चीज़ों को आप आसानी से पकड़ पाएंगे, उन चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल और उसका वर्णन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।